हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आज आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो एक बहुत ही अहम टॉपिक पर है। दिस इज़ रिगार्डिंग दी सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स जो कोरोना और कोविड 19 की वजह से एक प्रॉब्लम में है। ये एग्ज़ाम्स का अनाउंसमेंट होना अभी बाकी है, कुछ पेपर्स हो चुके हैं और कोविड 19 की वजह से अभी कुछ एक फर्म न्यूज़ बाहर नहीं निकल के आ पा रही है। बच्चों में ये कि कन्फ्यूजन से क्रिएट हो गया है कि ये एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, ये पेपर कैंसिल होंगे या कब होंगे, किस तरीके से होंगे। कुछ स्टेट्स ने कुछ पेपर्स को कैंसिल भी करने का विचार किया है, तो उस लिहाज से मैंने ये वीडियो बनाई है। तो दिस इज़ वीडियो फॉर सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स 10th एंड 12th। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अभी लेटेस्ट न्यूज़ है जिसके बारे में बता रहा हूँ कि जो अभी MHRD ने, अभी हम बात करते हैं, जो सीबीएसई बॉडी है, जो सीबीएसई एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, वही इस डेट्स को अनाउंस करती है। तो अभी सीबीएसई का डेट्स का अनाउंस करना भी बाकी है। हालांकि जब अभी 1st अप्रैल को एक अनाउंसमेंट हुआ था रिगार्डिंग 29 सब्जेक्ट्स कि ये होने हैं या कैंसिल होने हैं, सो अभी कुछ लेटेस्ट जो डेट्स हैं उनका अनाउंसमेंट होना बाकी है। MHRD जो एक बॉडी है, सबसे बड़ी बॉडी जिसे बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, वही प्लानिंग करती है, वही सीबीएसई को ये बताती है कि आपको ये डेट्स करवानी है या आपको एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है। वो माहौल को देखते हैं। तो जिस तरीके का माहौल है अभी इंडिया, सब लोग लॉकडाउन है, तो बहुत सारे बच्चों में पैनिक है कि ये क्या होगा, कैसे होगा, एग्ज़ाम होगा भी नहीं होगा। जो बच्चे JEE की तैयारी कर रहे हैं या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे साइमल्टेनियसली तैयारी करते हैं, ऐसा नहीं कि खाली 10th और 12th का ध्यान है और वो आगे का नहीं सोच रहे हैं। तो जो बच्चे JEE और नीट पर फोकस हैं तो उनमें बहुत बड़ा एक पैनिक का सा माहौल है। कुछ खबरें गलत भी आ रही हैं, कुछ लोग गलत अफवाहें भी फैला रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को क्लेरिफिकेशन देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी CBSE बोर्ड्स जो है वो अनाउंस करने वाला है डेट, ठीक है, और वो 3 ऑप्शन जो है एक्सरसाइज कर सकता है। उनके माइंड में भी चल रहा है, ये मीटिंग जो हो रही है कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराएं या नहीं कराएं, तो 3 ऑप्शंस हैं। मैं उनके बारे में आपको बता दूं वो कौन कौन से ऑप्शन हैं जो वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि बोर्ड जो है जो बच्चों के आपके एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करा सकता है, ठीक है, ये भी उनके पास एक ऑप्शन है कि वो कंडक्ट करा सकता है। और उससे होगा ये कि वो जल्द एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद, इवेल्यूशन कराने के बाद एंड ऑफ मे और जून के 1st वीक तक रिजल्ट को भी डिक्लेयर कर सकता है। तो उस केस में हो सकता है कि JEE और नीट पर इसका इफेक्ट ना पड़े। सेकंड ऑप्शन ये है कि वो ये एग्ज़ाम लॉकडाउन के बाद कराए, यानी कि जब लॉकडाउन ओवर हो जाएगा उसके बाद एग्ज़ाम कराएगा। जिस वजह से लॉकडाउन के बाद जब ये एग्ज़ाम होगा तब कब एग्जामिनेशन ओवर होने के बाद कब इवेल्यूशन होगा, उसके बाद कब रिजल्ट आएगा, तो उसका साइमल्टेनियसली इफेक्ट पड़ेगा JEE और नीट के एग्ज़ाम के ऊपर भी। तो ये कुछ 3 ऑप्शन है, मान के चलिए 2 ऑप्शन मैंने आपको बताया। तीसरा ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, जो आपका CBSE बोर्ड है वो कैंसिल भी कर सकता है जो रिमेनिंग 3 एग्ज़ाम्स हैं बचे हुए जो अभी तक नहीं हो पाए हैं लॉकडाउन की वजह से, तो कैंसिल भी कर सकता है। उसका रीज़न ये है कि महाराष्ट्र स्टेट ने ज्योग्राफी का एग्ज़ाम कैंसिल किया है, ठीक है, तो मैं बता दूं, तो उन स्टेट्स को फॉलो करते हुए हो सकता है कि सेंट्रल लेवल पे एक ऑल ओवर स्टेट, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे CBSE डिसीजन ले सकता है। तो अभी डिसीजन लिया नहीं है लेकिन ले सकता है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो इन 3 ऑप्शन का ध्यान में रखिए कि पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, किसी भी अफवाहों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बने रहिए। और जो CBSE की साइट है सिर्फ उसी पे जो अनाउंसमेंट आ रहा है, जो उनके न्यूज़ सेक्शन में जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है उसको आप देखिए, और जो आपके टीवी मीडिया पे जो भी आपके रिप्यूटेड चैनल्स हैं उस पर जो न्यूज़ आ रही है उनको आप देखिए, उन्हीं को मानिए। हो सकता है मेरी भी न्यूज़ गलत लगे आपको, लेकिन मैंने भी न्यूज़, ये एक बहुत बड़ा चैनल है टाइम्स नाउ, उसके अकॉर्डिंग जो उसकी रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद ही मैंने बनाया है, तो आप देख सकते हैं। लेकिन ये 3 ऑप्शंस हैं जो हो सकते हैं, कैंसिल भी हो सकता है, लॉकडाउन के बाद भी एग्ज़ाम हो सकता है और पहले भी करा सकते हैं, ठीक है। 3 ऑप्शन को माइंड में रखते हुए आप प्रिपरेशन करिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना बढ़ेगा तो आपके पास टाइम है।
इसमें तैयारी अच्छी करने का, और अगर रही बात पेपर को कैंसिल करने की, तो उन्होंने एक ऑप्शन ये भी दिया है कि वो इंटरनल ग्रेड के बेस पे भी इवेल्यूशन कर सकते हैं। ये उसमें ऐसा मेंशन किया गया है, जो भी इंटरनल असेसमेंट होता है कॉलेज में या आपके स्कूल में, उसके बेसिस पे वो ग्रेड दे के आपको निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपका साल खराब करेंगे। तो पूरी कोशिश यही है सीबीएसई बोर्ड की कि बच्चों का साल खराब ना हो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। सो बी प्रिपेयर्ड विद योर प्रिपरेशंस, अपनी तैयारी करते रहिए, आपको और अच्छा टाइम मिल रहा है। और डोंट बी पैनिक, किसी तरीके की पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो बच्चों में घबराहट हो जाती है कि क्या होगा, बच्चे गलत स्टेप ले लेते हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये सबके साथ हो रहा है, आपके एग्जाम नहीं कैंसिल हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स भी कैंसिल हो रहे हैं। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाता हूँ, तो वहाँ भी बच्चों का सवाल आता है। जो पीजी के स्टूडेंट होते हैं उनमें भी घबराहट होती है, वो भी घबरा रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, सबका सोल्यूशन निकलेगा। ये एक ऐसा टाइम है जिसमें हम लोग बहुत ही ठंडे रहने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है, और सोचने की ज़रूरत है कि इस तरह की सिचुएशन भी कभी आ सकती थी। ठीक है, तो बिल्कुल घबराइए नहीं, अपना ध्यान पढ़ाई पर रखिए और बाकी की बातों पर ध्यान मत दीजिए। कब होगा, जब होगा तब होगा, कौन सी बड़ी चीज़ है, डेट आएगी उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल ही जाएगा सीबीएसई की साइड से। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ फ्रॉम माई साइड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।